हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के टॉप 5 एयरपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पे यात्रियों की चहल पहल का मिलन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। और अगर आप किसी एयरपोर्ट पर अपना कीमती समय बिताने की सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना हम सुनिश्चित करें कि वह एक मजेदार एयरपोर्ट हो जहाँ समय यूं ही बीत जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इंडिया से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब लिस्ट पर गौर करते हैं। 5वें नंबर पर है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई के तिरुसलम शहर में स्थित यह एयरपोर्ट साउथ इंडिया के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। यह एयरपोर्ट 1300 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और हर वर्ष इस एयरपोर्ट से लगभग 2 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। अपनी मॉडर्न एमिनिटीज और स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस के साथ यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए इंडिया का काफी इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट वहाँ है जहाँ मौसम मुस्कुराहट की तरह गर्म है और बैगेज क्लेम एक फैमिली रियूनियन जैसा लगता है, जहाँ हर कोई अपने बैग को फिर से देखकर काफी खुश होता है। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर चलता है और यह भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसका रनवे नदी के किनारे बनाया गया है। 4वें नंबर पर आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई को दुनिया से जोड़ता है, बल्कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए भी यह भारत का काफी इम्पोर्टेंट हब है। यह एयरपोर्ट 1500 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और हर वर्ष इस एयरपोर्ट से लगभग 4 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह ट्रैवलर्स का फेवरेट एयरपोर्ट है। जैसा कि काफी लोग बोलते हैं कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह एक बॉलीवुड सेट है विद अ साइड ऑफ केओस। यदि आपकी उड़ान में थोड़ी सी भी देरी हो जाती है, तो चिंता ना करें, हो सकता है आपको टर्मिनल में अचानक से कोई डांस ऑफ देखने को मिल जाए। मुंबई एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स के लिस्ट में उसकी ग्लोबल रैंकिंग 84th है। मुंबई एयरपोर्ट ने 2023 में केवल एक रनवे पर एक ही दिन में 1032 फ्लाइट्स को मैनेज करके हाल ही में विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर है भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट 4000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और हर वर्ष इस एयरपोर्ट से लगभग 3 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। यह एयरपोर्ट अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बैंगलोर जैसे इम्पोर्टेंट टेक सिटी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की डेस्टिनेशन से जोड़ने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां सिक्योरिटी चेक एक योगा सेशन की तरह लगता है। इसने दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के साथ साथ दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट होने के 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी हाल ही में जीते हैं और दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में इसकी ग्लोबल रैंकिंग 69th है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अपने रिच हिस्ट्री और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता है। यह एयरपोर्ट 5500 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और हर वर्ष इस एयरपोर्ट से लगभग 2 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। यह एयरपोर्ट अपनी एफिशिएंसी और पैसेंजर फ्रेंडली सुविधाओं के लिए जाना जाता है और यह एयरपोर्ट इतना एफिशिएंट है कि आपका सामान छूटने से पहले ही आ जाता है। इसी कारण से काफी लोग इसे भारत का टेलीपोर्टेशन हब भी कहते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। इस एयरपोर्ट ने भारत और साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार जीता है और दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में इसकी ग्लोबल रैंकिंग 65th है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है भारत की हलचल भरी राजधानी नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट 5100 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और हर वर्ष इस एयरपोर्ट से लगभग 6.5 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं। यह एयरपोर्ट का विराट कोहली है, ऑलवेज इन डिमांड, ऑलवेज ऑन टॉप एंड सीरियसली बिजी। यदि आप अपने आप को यहाँ पाते हैं, तो एक कप चाय लेना ना भूलें और शहर की वाइब्रेंट एनर्जी का जरूर आनंद लें। आज यह एयरपोर्ट को भारत और साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट ऑफ 2023 का पुरस्कार भी मिला है और यह दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की सूची में 37th रैंक पर है। तो ये थी हमारी टॉप 5 एयरपोर्ट्स इन इंडिया की लिस्ट, जिनमें से हर एक एयरपोर्ट दुनिया में अपने यूनिक अट्रैक्शन और इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। यदि आपको इनमें से किसी एयरपोर्ट से यात्रा करने का मौका मिला है, तो नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव को जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज ट्रैवल सेफ, और हम आपसे अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।